प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने यहां से 60 किलोमीटर दूर सांगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। ये प्रोजेक्ट्स सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं। इसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। बता दें कि इससे पहले 4 मार्च को भी पीएम आदिलाबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया था। प्रधानमंत्री तेलंगाना से आज ही ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे। यहां वे 19,600 करोड़ के रेल, ऑयल और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वे चांदी खोल में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। साथियों, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।